हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे क्लास फोर्थ मैथ 2024 का पेपर। तो ये पेपर है प्राइमरी का, तो एनुअल एग्जामिनेशन ये हुए 2024 मार्च में। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन। हाउ विल यू राइट 4089 इन नंबर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9859637। तो इसमें 9 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 5000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 8? तो इसका हो जाएगा 5378, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ 9000? यानी 9000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8999, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ये जाएगी 10000। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 512 गुणा 0? तो ये 0, किसी भी संख्या गुणा 0 में करेंगे तो 0। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सम ऑफ 15/13 प्लस 8/13? तो 15, 8, 23, 23/13। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5055 मीटर्स इन किलोमीटर? तो ये जाएगा 5.055 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट कॉल्ड? इसको कहते हैं पीएम, पोस्ट मेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 4 एंड 7? तो 4 एंड 7 कैसे हैं? ये अभाज्य नंबर, सॉरी, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 × 28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट द नंबर 567 इन वर्ड्स। तो ये हो जाएगा 567, इसको लिखेंगे 567। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 22? तो 35 और 22 का प्रोडक्ट इसको करेंगे, 22 × 5 = 110 के 0, 11 हासिल, 22 × 66 = 11, ये हो जाएगा 77, सॉरी 77 यानी 770। नेक्स्ट है, कन्वर्ट 1200 मीटर्स इन टू किलोमीटर। तो 1200 मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तो जो जीरो ये कट गया, एक जीरो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 1.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन दिसंबर मंथ? यानी दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं? तो ये होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट है, कन्वर्ट 300 मिनट्स इन टू आवर्स। 300 मिनट को घंटे में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 300 को भाग देंगे 60 से, यानी कि 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बज जाएगा, यानी 5 आवर, 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग इफ वन नंबर कैन बी यूज ओनली वंस। यानी इन चार संख्या जो अंक दिए गए उनसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और उस नंबर को एक ही बार यूज करना है। तो 4678, तो इसका आंसर वही आ जाएगा, स्मॉलेस्ट के लिए 4678, यानी सबसे छोटी संख्या से चलेंगे, तो आंसर आएगा 4678। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ 16 नंबर। यानी 16 के हमें केवल 2 फैक्टर लिखने हैं, तो 16 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 = 2×2×2×2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 530.45 इन न्यूमरल फॉर्म। इसको आंकिक रूप में लिखना है, 530 ऐसे लिख लेंगे, 530, फिर डेसिमल लगाना है, यानी डेसिमल 45, यानी 45, तो ये लिख जाएगा न्यूमरल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 1400 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वन बुक, यानी 10 किताबों का मूल है 1400 रुपये। तो हमसे एक किताब का मूल पूछा गया, तो एक के लिए क्या हो जाएगा 1400 में भाग दे देंगे 10 से, तो 0 0 कट गया, तो एक बुक की कीमत आई 140 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर दी फॉलोइंग वे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देर आर 607 गुआवा ट्री, यानी कि 607 अमरूद के पेड़ हैं, 1002 आम के पेड़ हैं, 9099 बनाना यानी केले के पेड़ हैं इन सईद गार्डन, यानी सईद के गार्डन में। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन सईद गार्डन, तो क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू मेड ए गार्लैंड फ्रॉम 17 सी सेल्स, हाउ मेनी गार्लैंड विल बी ही बी एबल टू मेक यूजिंग 102 सी सेल्स, यानी कि एक फूलों का गुलदस्ता या माला जो है मोनू बनाता है 17 सी सेल से, तो 102 में कितनी बनेगी, तो 102 में 17 से भाग दे देंगे, 102 में 17 से भाग, 17 चिंगा 102, यानी 6 गार्लैंड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 4, 16 एंड 18, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 16, 18। सबसे पहले छोटी संख्या काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 4 और 16 2 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 4 8, 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4 9, फिर 2 से काटेंगे 9। अब इसको फिर 3 से भाग देंगे, यानी 1 1 9 को फिर 3 से भाग देंगे, 1 1 ऐसे रहेगा, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे। अब इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 2 2 3 3, यानी कि 16 3 48 3, तो 48 3 करेंगे, 3 8 24 3 4 12 और 2 14, यानी कि 144 एलसीएम आ जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 राइट 3.4 प्लस 1 राइट 3.4, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का गुणा, तो 4 2 8 और 3 11 11 बटे 4 प्लस 4 1 4 और 3 7 7 बटे 4, 11 और 7 अगर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 18 बटे 4 या 9 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए शॉपकीपर हैज 10 मीटर क्लॉथ, ही सोल्ड 2.75 मीटर क्लॉथ टू वन कस्टमर एंड 1.90 मीटर क्लॉथ टू अनदर कस्टमर, फाइंड आउट हाउ मच क्लॉथ शॉपकीपर इज हैविंग नाउ, यानी उसने कितना एक कस्टमर को क्लॉथ कपड़ा बेचा और दूसरे कस्टमर को कितना बेचा, टोटल में 10 में से घटा देना है, तो 2.75 और 1.90 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 7 16 2 1 3 1 4 4 9 6 5। अब 10 में से 4.65 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.5 और 9 से 5.35, यानी जो उसके बाद कपड़ा बचेगा 5.35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर्स ए एंड बी, यानी इनके हमें पेरीमीटर निकालने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहला फिगर अगर देखा जाए ए वाला, तो ये आयत है यानी रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 × लंबाई का देखा जाए तो लंबाई है 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ अगर हल किया जाए 2 × 6 3 9 9 सेंटीमीटर, 9 × 2 9 2 18 सेंटीमीटर, तो हमारे पहले फिगर का ये आंसर निकल आया। अब दूसरे क्वेश्चन का देख, दूसरे फिगर का देखते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इस फिगर के लिए हमें क्या करना है, सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर आ जाएगा, पहले तो ये इस भुजा को जोड़ेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस, फिर ये इसको जोड़ेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस, फिर 1 सेंटीमीटर
प्लस फिर इतना, इसको अगर देखा जाए तो दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्लस फिर ये 3 सेंटीमीटर फिर ये 1 सेंटीमीटर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 4 4 8 9 3 12 3 15 1 16, तो इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर है 87 - 96 / 4 + 7 × 3 - 31। यहाँ अगर देखा जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन एडिशन। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें 96 में तो क्या आ जाएगा, 4 × 8, 4 × 16 यानी 24। उसके बाद प्लस इसका गुणा भी कर लेते हैं इकट्ठा, 7 * 21 - 31। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, इधर आ जाएगा 87 - 24 + 21, तो ये -3 - 31। तो 87 - 31 - 3 तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यानी कि 34। इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 यानी 53। तो पहले का आंसर आ गया 53। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 42 - 105 / 15 + 13 × 4 - 67। वही रूल, बॉडमॉस रूल यानी डिवाइड पहले करेंगे तो 42 - इसमें 15 से डिवाइड करेंगे 105 में, तो 15 × 95 = 15 = 105 तो 7 आ जाएगा। प्लस गुणा कर लेंगे 13 × 5 - 67 यानी इकट्ठा कर लिया, भाग भी कर लिया हमने गुणा भी कर लिया। अब जोड़ घटाना रह गया वो भी कर लेंगे, तो 42 में से 7 जाएंगे तो 35 बचेंगे प्लस 52, ये भी जोड़ का निशान है तो -67। तो इसको जोड़ेंगे नहीं, उसमें घटा लेंगे सीधा, इसमें घटाएंगे 67 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 15। अब 35 में से 15 घटाएंगे तो 20, तो दूसरे का आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से पेपर हल हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।